like you. Be strong to hold the powers of the sun. एक बात बताता हूँ शॉर्ट में. एक छोटा सा हरे रंग का फल जिसको कहते हैं ऑलिव, उसको प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, उसके अंदर से निकलते हैं चार अलग अलग तरह के तेल. कलेक्टिवली उन्हीं चार अलग अलग तरह के तेलों को कहते हैं हम लोग ऑलिव ऑयल. अब गाइज, वो जो चार अलग अलग तरह के तेल हैं उनके नाम क्या हैं? आप लोग स्टोर में जब ऑलिव ऑयल खरीदने जाते होंगे तो ये नाम अक्सर आपके सामने दिखते होंगे आप लोगों को अलग अलग शीशियों में. आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कौन सा ऑलिव ऑयल खरीदें, फ़ोन लगाते हो कि भैया कौन सा लें, तो चार पाँच शीशियाँ हैं. जो सबसे पहले तेल निकलता है फर्स्ट प्रेस के बाद ऑलिव के, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल, दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सबसे प्योर रहता है, सबसे महंगा भी रहता है, 1200 रुपए लीटर, 1300 रुपए लीटर. सो गाइज, वो महंगा क्यों है? क्योंकि गाइज इट इज फुल ऑफ मोनो अनसेचुरेटेड फैट विच इज हेल्दी. उसमें ऑलाइक एसिड बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी एरोमा, उसकी खुशबू बहुत स्ट्रांग रहती है, उसका टेस्ट बाकी ऑलिव ऑयल्स के कंपेरिजन में बहुत बढ़िया रहता है. इसलिए वो इतना महंगा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है. दूसरे नंबर पे, सेकंड प्रेस पे निकलता है वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का छोटा भाई. थोड़ी सी कम एरोमा, थोड़ा सा कम टेस्ट, थोड़ा सा कम मोनोअनसैचुरेटेड फैट, थोड़ा सा कम ओलाइक एसिड. जो तीसरे नंबर पे निकलता है ऑलिव का बाय प्रोडक्ट, वो है ऑलिव ऑयल पोमेस. इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम एरोमा, थोड़ा सा कम मोनोअनसैचुरेटेड फैट, लेकिन खूबी क्या है इसकी, फीचर है इसका भी बहुत बड़ा, बेनिफिट है इसका भी बहुत बड़ा, इनका स्मोकिंग पॉइंट. गाइज, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल भाई भाई हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है, काम थोड़ा सा अलग है. लेकिन ऑलिव ऑयल पोमेस और रिफाइंड ऑलिव ऑयल, इन दोनों के बेनिफिट हैं, भले ही इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उनसे कम है, लेकिन बेनिफिट हैं इनके भी. इनका बेनिफिट सबसे बड़ा क्या है, इनका स्मोकिंग पॉइंट, यहाँ पे अंतर आता है, यहाँ पे यूज चेंज हो जाते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल के और रिफाइंड ऑलिव ऑयल और ऑलिव ऑयल पोमेस के. जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उनको आप लोग डीप फ्राई में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उनके स्मोकिंग पॉइंट कम है. स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है, पैन पे तेल डाला, गैस जलाई, और जब उस तेल के अंदर से धुआं निकलने लगे तो वो हो जाता है उसका स्मोकिंग पॉइंट. मतलब धुआं निकल गया तेल से, मतलब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म, वो कन्वर्ट हो चुकी है टॉक्सिन्स में, टॉक्सिक में कन्वर्ट हो चुका है. जो मोनोअनसैचुरेटेड फैट है, जो एंटीऑक्सीडेंट है तेल के, वो तो सब उड़ गए धुआं बन के, अब वो तेल है जहर. सो गाइस, वही उसका स्मोकिंग पॉइंट होता है. क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और वर्जिन ऑलिव ऑयल के स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, इनको आप लोग डीप फ्राई में यूज़ नहीं कर सकते. और वहीं अगर देखा जाए तो ऑलिव ऑयल पोमेस और रिफाइंड ऑलिव ऑयल के स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, भले ही मोनोअनसैचुरेटेड फैट, ओलाइक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट कम हो, लेकिन इनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो डीप फ्राई में. आप लोग कोई ऐसी डिश अगर प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें हाई हीट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं कर सकते. वहाँ पे आप लोगों को खरीद के लाना पड़ेगा ऑलिव ऑयल पोमेस या फिर रिफाइंड ऑलिव ऑयल. भले ही थोड़े से कम हेल्दी हैं, भले ही ओलाइक एसिड कम है, भले ही मोनोअनसैचुरेटेड फैट कम है, लेकिन आप लोग अगर दूसरे ऑयल से कंपेयर करें, लाइक कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सरसों का तेल, जहर, उनसे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है. So guys, without wasting any time, let us jump into the benefits. Guys, olive oil के consumption का जो सबसे पहला benefit है वो है olive oil contains 73% of mono unsaturated fat. Guys, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, fat दो तरीके के होते हैं, पहला saturated fat, दूसरा unsaturated fat, मतलब बैड फैट एंड गुड फैट आप लोग कह सकते हो. जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बैड फैट होता है, और जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो होता है गुड फैट. अब गाइस, जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट, और जो दूसरा पार्ट है वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट. तो यहाँ पे जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, ऑलिव ऑयल कंटेंस 73% ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मतलब ऑलिव ऑयल में 73% गुड फैट होता है. आपकी बॉडी में ऑलिव ऑयल गुड फैट की क्वांटिटी बढ़ाता है. मोनो अनसैचुरेटेड फैट एक तरीके का गुड फैट है, और हाँ, ऑलिव ऑयल भी इसीलिए जाना जाता है अपने गुड फैट की वजह से. गाइस, ऑलिव ऑयल के कंसम्पशन का जो दूसरा बेनिफिट है वो है ऑलिव ऑयल इंक्रीजेस HDL एंड डिक्रीजेस LDL.
गैस, ऑलिव ऑयल कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में HDL बढ़ता है। HDL क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल। और LDL क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल। अब ऑलिव ऑयल जब आप कंज्यूम करते हो, तो क्योंकि ऑलिव ऑयल में गुड फैट होता है, तो वो जो गुड फैट है आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और साथ ही साथ कम करता है बैड कोलेस्ट्रॉल। आपकी आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा है, आपकी आर्टरीज में जो बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है अभी तक, अगर अब आप लोग ऑलिव ऑयल का कंजम्पशन चालू कर रहे हैं, तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल फ्लश आउट हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि आपकी बॉडी में HDL बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में बढ़ रहा है गुड कोलेस्ट्रॉल। इस वजह से वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी से, आपकी आर्टरीज से फ्लश आउट हो जाएगा। गाइस, ऑलिव ऑयल के कंजम्पशन का जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ऑलिव ऑयल प्रिवेंट्स स्ट्रोक्स कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्रेन ईदर ड्यू टू ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग। इसका मतलब है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, गाइस, हम लोग जब कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जब बढ़ता है, हम लोग बैड फैट खाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता रहता है। सो गाइस, जो हमारी ब्रेन की आर्टरीज हैं, जब वो पूरी तरीके से भर जाती हैं बैड कोलेस्ट्रॉल से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ब्लड क्लॉटिंग के, और वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हमको स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। सो गाइस, ऑलिव ऑयल का क्या काम है? वो जो स्ट्रोक्स का कारण है कि आप बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जो इकट्ठा है, ऑलिव ऑयल उसको धक्का देके बाहर निकाल देता है, आपकी आर्टरीज में से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको फ्लश आउट कर देता है। सो गाइस, एक तरीके से बोलें तो ऑलिव ऑयल प्रिवेंट्स स्ट्रोक्स एज वेल। अब यहाँ पे चौथा सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो हम लोगों को देखने को मिलता है ऑलिव ऑयल के कंजम्पशन का, वो है ऑलिव ऑयल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। मतलब जो दिल की बीमारियां हैं या फिर हार्ट अटैक है, उससे हम लोगों को ऑलिव ऑयल प्रिवेंट करता है। अब वो कैसे होता है समझते हैं। गाइस, जब हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीप फूड, चीप मील कंज्यूम करते हैं, तो वही चीप फूड, चीप मील हमारी बॉडी में LDL बढ़ा देता है, मतलब हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, और वही बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे हमारी हार्ट की आर्टरीज में इकट्ठा होता रहता है। आर्टरीज का काम क्या होता है? प्योर ब्लड पहुँचाना डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी ऑर्गेन्स तक। वही सप्लाई ऑफ ब्लड ब्लॉक हो जाता है जब हमारी आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है तब, और चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। अब यहां पे ऑलिव ऑयल का काम क्या है? यहां पे ऑलिव ऑयल क्या करता है? जब आप लोग ऑलिव ऑयल कंज्यूम करते हैं, तो वो ऑलिव ऑयल कंटेन्स गुड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में HDL बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जब HDL हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो वो जो HDL होता है वो LDL को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को, आपकी आर्टरीज से, हमारी आर्टरीज से क्लियर कर देता है, धक्का देके बाहर निकाल देता है, जिस वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारी बॉडी अगेन हो जाती है हेल्दी। द फिफ्थ बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग ऑलिव ऑयल इज, गेस, ऑलिव ऑयल प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सूजन। गैस, जो मोटे लोग होते हैं या फिर आप लोगों को अगर कोई ऐसी चीज़ अपनी बॉडी पे देखने को मिलती है, लाइक रेडनेस, एक पर्टिकुलर एरिया सूज जाना, या फिर आप लोग अगर मोटे हो, तो आप लोगों के केस में ये बात एकदम कॉमन होगी। सो गैस, यहाँ पे ऑलिव ऑयल एक बून है, यहाँ पे ऑलिव ऑयल प्रिवेंट करता है उस पर्टिकुलर सूजन से, आपको उसको क्योर करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है समझते हैं। गैस, जो ऑलिव ऑयल होता है उसमें जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जो कि एक गुड फैट है, वो फैट का सोर्स क्या है, वो फैट आ कहाँ से रहा है? गैस, वो फैट निकल के आता है ओलाइक एसिड से। अब गैस, जो ओलाइक एसिड है वो एक्सट्रीमली हेल्दी एसिड है हम लोगों की बॉडी के लिए। वही ओलाइक एसिड वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सो गाइस, अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सो गाइस, स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑलिव ऑयल, आप लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और कभी बाद में होगी भी नहीं आप लोगों को। द सिक्स्थ बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग ऑलिव ऑयल इज, गाइस, ऑलिव ऑयल कंटेन्स विटामिन ई, विटामिन के और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपको फैट लॉस में हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही साथ ऑलिव ऑयल में गाइस एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑलिव ऑयल की आपकी बॉडी में पल रहे बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब गाइस, मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता दूं, जो ऑलिव ऑयल होता है वो किल करता है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब गाइस, ये जो बैक्टीरिया है ये आपके पेट में कारण बनता है स्टमक अल्सर्स का और स्टमक कैंसर का भी।
और क्योंकि ऑलिव ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑलिव ऑयल इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल कर देता है और आप लोगों को प्रिवेंट करता है स्टमक अल्सर से और स्टमक कैंसर से भी। सो गाइस, स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑलिव ऑयल, आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे वो पेट से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रोक से रिलेटेड हो, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज ही क्यों ना हो, दूर हो जाएंगी।